तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल के किसी भी ऐप में पासवर्ड लगा सकते हो। तो वो ऐप आपका इंस्टाग्राम हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, व्हाट्सअप हो सकता है, टेलीग्राम हो सकता है, आपके मोबाइल का गैलरी हो सकता है, तो कोई भी ऐप हो सकता है। तो यहाँ पर मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ, इसके थ्रू आप किसी भी ऐप में पासवर्ड लगा पाओगे। तो दोस्तों, अपने मोबाइल के ऐप्स में पासवर्ड लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि आपके मोबाइल में बहुत सारे पर्सनल डेटा होते हैं। तो वीडियो बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, अपने मोबाइल के किसी भी ऐप में पासवर्ड लगाने के लिए यहाँ पे आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करके यहाँ पे आपको सर्च में जाके सर्च करना है ऐप लॉक गो। तो एग्जैक्टली आपको यही सर्च करना है, ऐप लॉक गो। उसके बाद ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आप इसका नाम देख सकते हो। तो ये ऐप बहुत अच्छा है, इसकी रेटिंग 4.3 है, इसका साइज़ सिर्फ 12 MB है और डाउनलोड 1 करोड़ से ज़्यादा है। तो इसके डाउनलोड से भी आप इस ऐप की पॉपुलैरिटी का पता लगा सकते हो, इसकी रेटिंग तो अच्छी है ही। तो यहाँ पर आपको सिंपली इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में। इस ऐप को इंस्टॉल करके आपको सिंपली इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे इस ऐप के लिए परमिशन मांगा जाएगा, तो आपको परमिशन अलाउ कर देना है। तो यहाँ पे आपका सेटिंग ओपन हो जाएगा और सेटिंग में जा कर के आपको परमिशन अलाउ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐप लॉक ऐप पे मुझे टैप करना है और यहाँ पे मुझे परमिशन अलाउ कर देना है। उसके बाद दोस्तों, ये रहा वो मेरा ऐप जो मैंने अभी इंस्टॉल किया, जिसका कि नाम है ऐप लॉक। तो मुझे सिंपली इस ऐप को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे परमिशन मेरा सब कुछ अलाउ किया हुआ है, यहाँ पे मैंने बैक पे टैप कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको पैटर्न या फिर पिन सेट करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे मेरा फ़िलहाल पिन सेट करने के लिए पूछ रहा है, तो अगर आप पैटर्न सेट करना चाहो तो यहाँ पे स्विच टू पैटर्न पे टैप करोगे और यहाँ पे आपको पैटर्न सेट करने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं पिन ही सेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं कोई भी पिन सेट कर देता हूँ, जैसे कि 1, 2, 3, 4। यहाँ पे मैंने सिंपल सा पिन सेट किया है, आप थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फिर से कंफर्म करने के लिए एक बार पिन को एंटर करूँगा और यहाँ पे ये ऐप मेरा ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में रन करने के लिए ये परमिशन मांग रहा था, तो मैंने अलाउ कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको सारे ऐप का लिस्ट मिल जाता है, आप जिस भी ऐप में लॉक लगाना चाहते हो उस ऐप के सामने यहाँ पे आपको लॉक का ऑप्शन मिलता है, तो आपको उस पर टैप कर देना है। और लॉक लगाने के बाद इस टाइप का लॉक का लोगो आ जाएगा, और लॉक नहीं लगा रहेगा तो यहाँ पे लॉक खुला हुआ मिलेगा। तो मान लो मैं फेसबुक ऐप में लॉक लगाना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे फेसबुक ऐप ढूँढना होगा। तो मैंने सर्च कर लिया फेसबुक ऐप, तो यहाँ पे मेरा लॉक लगा हुआ है इसमें। तो अगर मैं इसे अनलॉक करना चाहूँगा तो अनलॉक कर सकता हूँ, और लॉक करना चाहूँगा तो यहाँ पे लॉक कर सकता हूँ। तो अब मैं अगर अपने मोबाइल में फेसबुक ऐप को ओपन करता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पे मुझसे पिन मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं जब तक मेरा जो पिन था 1, 2, 3, 4 इंटर नहीं करूँगा, मेरा फेसबुक ओपन नहीं होगा। तो इस तरह से आपके अलावा कोई भी फेसबुक आपका ओपन नहीं कर पाएगा। इसी तरह आप अलग अलग ऐप में पिन या फिर पैटर्न लगा सकते हो। बस यहाँ पे आपको ऐप में जाना है और यहाँ पे आपको उस ऐप के सामने वाले ऑप्शन पे टैप करना है और उसे लॉक कर देना है। और यहाँ पे आपको सारा ऐप मिल जाएगा जिसमें आपने लॉक लगाया हुआ है। और कोई ऐप आपको नहीं दिखता है लेकिन आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे आपको सर्च करके उसे ढूंढ लेना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास एमआई का फ़ोन है तो आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप प्ले स्टोर पर जाके इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपके मोबाइल के सेटिंग में ही आपको ऐप लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। इसके लिए यहाँ पर आपको सिंपली अपने मोबाइल में सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करके यहाँ पर आपको ऐप लॉक सर्च करना है, तो यहाँ पर आपको ऐप लॉक का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे आप ऐप लॉक सेट कर सकते हो टर्न ऑन पे टैप करके। और यहाँ पे आपको पैटर्न सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन अगर आप पिन सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको चेंज पासवर्ड पे टैप करना है और यहाँ पे आपको सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है पिन भी। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आप अपने मोबाइल के किसी भी ऐप में पिन या फिर पैटर्न लगा सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी टाइप के छोटे छोटे यूज़फुल वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो।
फिलहाल इस चैनल से जुड़े रहें, अभी के लिए बाय बाय।